साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास तीन लाइट है, हम क्या करेंगे इनको तीन जगह से, तीन अलग अलग जगह से, जैसे मैं यहाँ चालू करूंगा तो मेरी तीनों लाइट चालू हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ यहाँ से चालू करना तो यहाँ से मैं तीनों लाइटों के साथ चालू कर सकता हूँ, और चाहूँ यहाँ से चालू कर सकता हूँ। तो इसका हम कनेक्शन देखेंगे कि मल्टीपल लाइट को हम मल्टीपल जगह से एक साथ में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन बल्ब लेंगे, तीन बल्ब हो गए। इसके अलावा हमने इन तीन बल्बों को तीन स्विचेस से कंट्रोल करना है, तो ये हमने तीन स्विच लगा दिए। ये हमारे वन वे स्विच है, सिंपल स्विच। अब इसका कनेक्शन कैसे रहेगा, जैसे हम माने हमारे पास फेज है और न्यूट्रल, तो जो फेज वाला वायर है क्या करेंगे, फर्स्ट वाले स्विच के नीचे देंगे, यही नीचे से उठा के फिर अगले वाले के नीचे, और यहीं से उठा के हम नेक्स्ट वाले के नीचे कनेक्ट करते हैं। और सेम टू सेम चीज क्या करेंगे, ऊपर वाले के पॉइंटों को भी हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जैसे हमारे पास बल्ब के पास दो टर्मिनल होते, दो वायर होते, तो दोनों में से किसी एक को हम फर्स्ट वाले को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, सेकेंड वाले को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, थर्ड वाले को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको फेस दे दिए। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल देंगे हम, ये दे दिए न्यूट्रल, यहीं से हम इसे उठा के जंप करवा के हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और यहीं से ये जंप करके ये कनेक्ट कर दिया। ये सिंपल बार जंपिंग क्या है, मतलब ये वायर से कनेक्ट नहीं है, ये हमने कनेक्शन कर दिया। तो इसका कनेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। अब अगर हम इसके वर्किंग की बात करें कि ये सर्किट किस तरीके से काम करेगा, तो जैसे हमारा लाइट यहाँ से आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन, जबकि हमारा जो स्विच है, स्विच हमारा ओपन कंडीशन है, मतलब सारे के सारे स्विच ये हमारे ओपन है, तो अभी हमारा कोई भी लाइट नहीं चलेगा। अब जैसे ही हम क्या करें, इनमें से किसी भी स्विच को चालू करें, जैसे हम मान के चलिए फर्स्ट वाला स्विच ऑन करेंगे, तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा करेंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाते हुए यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, और यहाँ से होते हुए इसे दो रास्ते मिलेंगे, करंट हमारा यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा, तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा। सेम टू सेम करंट हमारा इस रास्ते से जा रहा है, ये यहाँ से भी दो पार्ट्स में जा रहा है, इधर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो करंट यहाँ पे जाएगा, तो हमारे ये बल्ब भी जलने लगेगा। सेम टू सेम हमारा ये बल्ब भी जल जाएगा। अब मान के चलिए अगर हम दूसरे को चालू कर दें, इस कंडीशन में अगर हम बाकी स्विचेस भी चालू कर दें, तो बल्ब को कोई नुकसान नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब मान के चलिए हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, तो सारे के सारे बल्ब हमारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सप्लाई यहाँ तक जा रही है, आगे पास नहीं हो रही है, तो ये भी बंद हो जाएगा हमारा, और बाकी तीन भी, बाकी दोनों भी बंद हो जाएगा। अभी उनमें से मान के चलिए मैं ये वाला स्विच ऑन करूँ, मतलब स्विच ऑन करने का मतलब ये कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, तो करंट हमारा यहाँ से जाएगा, आगे रास्ता ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो करंट हमारा यहाँ से जाएगा, इसमें जाएगा कुछ अमाउंट में, कुछ यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा करंट यहाँ से, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। सेम टू सेम करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, तो ये भी हमारा जलने लगेगा, सेम टू सेम करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, तो ये भी जलने लगेगा। तो इसी तरीके से हम चाहें जब हम इसको बंद करके इसको चालू करेंगे, तो यहाँ से भी ये चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें क्या करना, मल्टीपल लाइट को मल्टीपल जगह से एक साथ में चालू करना है, तो हम इसको चालू कर सकते हैं। पर इसको अगर हमें बंद करना है, तो उस कंडीशन में बंद करने के लिए इसकी एक ही सिचुएशन है कि जिस स्विच से चालू किया हमें उसे ही हम उसको बंद कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम इनसे कुछ भी करेंगे, बंद चालू करेंगे, तो इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमें। अगर इसे बंद करना है, तो हमें इसे बंद करना पड़ेगा, इस स्विच को
बंद करेंगे तो हमारा सर्फेस बंद हो जाएगा। अब हम इसका आगे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे कि हम बात जैसे हमने देखा अभी कि यहाँ पे हमारे पास तीन बल्ब है और तीन स्विच है, तो हम यहाँ से जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि हम न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहीं से उठा के इसके एक दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल और यहीं से उठा के अगले पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमने न्यूट्रल पहले से कनेक्ट करके रखा है, ये यहाँ पे इसके उसी पॉइंट से उठा के बल्ब के पॉइंट पे और यहाँ से उठा के बल्ब होल्डर के यहाँ पे कनेक्ट करके रखा। इसके अलावा जो बल्ब को वायर आएगा तो इसमें एक डोरी ये नीचे से लेके रखी है फेज वाली, ये लेके रखी है। इस बल्ब को फेज हम यहाँ से देंगे और इसको हम यहाँ से देंगे। तो ये हमारा आ गया यहाँ से। अब जैसे हमने वहाँ पे सर्किट में देखा था कि जो फेज आएगा वो हम कैसे देंगे, यहाँ से उठा के नीचे देंगे, फिर ये नीचे और यहाँ नीचे से कनेक्ट कर देंगे और ऊपर वालों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और ये जो वायर आ रहा है इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो यह है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे जैसे कि हमारे पास ये डोरी है, इसमें एक फेज आएगा, न्यूट्रल आएगा, रेड वाला हमारा फेज वाला है, तो हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एक वायर हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा, अगला वायर हमारा यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे और इस वाले वायर को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये जो बल्ब है इसको इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, सेकंड वाले बल्ब को सेकंड वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे और थर्ड वाले को थर्ड वाले के ऊपर कनेक्ट करेंगे। एक एक्स्ट्रा स्विच दे के रखा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने इसका ये कनेक्शन कर दिया, टाइट कर दिया स्क्रूज से, अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता भी है। तो जैसे कि हमारे पास ये तीन स्विचेस है, ये वाला हमारा फ्री स्विच है, एक्स्ट्रा स्विच है, तो जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्या है, ये प्रैक्टिकल कुछ ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बल्बों को अलग अलग जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, सारे के सारे इकट्ठे। जैसे मान के चलिए सारे के सारे बल्ब एक कॉरिडोर है, उसमें तीन जगह स्विचेस लगे हुए, हम चाहे तो सारी की सारी लाइट तीनों जगह से बंद चालू कर सकते हैं। जैसे कि हमने चालू की, सारी लाइट चालू होगी क्योंकि वो चालू है, आप अगर तीनों चालू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बंद कर दिया, मैं चाहूँ तो इसको इससे भी बंद चालू कर सकता हूँ और इससे भी चालू कर सकता हूँ। इस अगर हम कनेक्शन का अगर ड्रॉबैक की बात करें, वैसे तो इसका बेनिफिट है पर इसका अगर ड्रॉबैक की बात करें तो इसका ड्रॉबैक ये है कि जैसे अगर इस बंदे ने चालू कर दिया यहाँ से तो इसको और कोई बंद नहीं कर सकता। अगर हमें इस स्विच को, इस लाइट को, अगर सारी लाइटों को बंद करना है तो हमें इसको यहीं से बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने यहाँ से चालू करके रखा है तो अगर हमें इसे बंद करना है तो हमें ये जो बंदा है यही बंद कर सकता है। तो ये था कि जो मल्टीपल लाइट्स होती है उनको मल्टीपल स्विचेस से अलग अलग जगह से किस तरीके से चालू किया जा सकता है।